मुझे इस फोन को यूज करते को 1 महीना हो चुका है एंड आई कैन टेल यू कि जब कोई फोन अच्छे से कॉस्ट कटिंग करता है तो कस्टमर को एक बहुत अच्छा प्रोडक्ट मिलता है एंड IQOO Neo 9 Pro इज द बेस्ट एग्जांपल टू शो दिस। डिजाइन से शुरू करते हैं, इसका बैक टेक्सचर काफी अच्छा है, बहुत ही सॉफ्ट फील होता है, लेकिन मैं इस कैमरा मॉड्यूल का उतना बड़ा फैन नहीं हूं। इन माई ओपिनियन ट्रेडिशनल से थोड़ा सा अलग जाने की कोशिश में ये थोड़ा वियर्ड सा बना दिया है। बाकी तो देखो अपनी अपनी चॉइस है, किसी को बहुत अच्छा भी लग सकता है। मेरे पास ये ब्लैक कलर में है लेकिन इसमें ये डुअल टोन रेड और व्हाइट में भी आता है जिसमें लेदर बैक है। अब लेदर के अपने साइड इफेक्ट्स होते हैं तो आपको थोड़ा चूज करना पड़ेगा। प्राइस पॉइंट के हिसाब से डिजाइन थोड़ा सा बेटर किया जा सकता था। और इसके बैक में एक शॉर्ट सेंसेशन प्रोटेक्शन है जो कि गोरिल्ला ग्लास का एक चीपर अल्टरनेटिव है, लेकिन फोन काफी हल्का है। और होता क्या है, जब हम इतने ज्यादा मोटे मोटे फोन हाथ में लेके प्रीमियम फील लेते हैं तो जब आप इतने हल्के फोन को पकड़ते हैं तो 2018 2019 वाइब्स आने लग जाती है। एंड क्योंकि इसमें 5160 mAh की बैटरी भी है, उसके बावजूद इन्होंने वेट डिस्ट्रीब्यूशन काफी अच्छा किया हुआ है। बाकी छोटी मोटी चीजें जैसे कि IP54 की रेटिंग है और ऊपर एक आयर ब्लास्टर भी दे रखा है। नीचे की साइड में एक USB 2.0 पोर्ट है जो कि 3.0 हो सकता था क्योंकि डेटा ट्रांसफर में ये स्पीड काम आती है। डिस्प्ले पे आए तो इसमें एक 6.78 इंचेस की 1.5K LTPO डिस्प्ले है जो कि गेम्स वगैरह में 144 हर्ट्ज तक जा सकती है और LTPO सही से काम कर रहा है और 144 हर्ट्ज ये सर्टेन गेम्स में जाता है लेकिन कुछ एप्स 90 हर्ट्ज पे भी रहती है। एडवर्टाइज्ड पीक ब्राइटनेस है 3000 निट्स जो कि मैटर नहीं करती। एक्चुअल जो HBM ब्राइटनेस है वो है 1400 निट्स जो कि सफिशिएंट है, बाहर भी ब्राइटनेस वगैरह सब कुछ सही रहता है और फोन की ब्राइटनेस आउटडोर में उतनी जल्दी थ्रॉटल भी नहीं करती। प्रोटेक्शन के नाम पे इस डिस्प्ले पे शॉर्ट सेंसेशन यूपी ग्लास लगा हुआ है जो कि अगेन प्रोटेक्शन दे देगा, लेकिन गोरिल्ला ग्लास जितना आप इस पे रिलाई नहीं कर सकते। और इसमें आपको डॉल्बी विजन का सपोर्ट नहीं मिलेगा लेकिन आप HDR 10 प्लस कंटेंट देख सकते हो। स्क्रीन के बेजल्स मुझे हल्के से बड़े लगे हैं, नॉर्मली इस प्राइस पे इससे छोटे बेजल्स मिल जाते हैं, जैसे OnePlus 12R वगैरह में कर्व स्क्रीन है जो कि यूजर्स को नॉर्मली ज्यादा अट्रैक्ट करती है, बाकी पर्सनल प्रेफरेंस पे है, फ्लैट या कर्व जो भी आपको पसंद हो। और IQOO के सारे ही फोन्स में मुझे ऐसा लगता है कि फिंगरप्रिंट थोड़ा सा नीचे की साइड में होता है। अब रियलिस्टिकली इसको थोड़ा सा ऊपर होना चाहिए लेकिन जो बंदा फोन रोज यूज करता है उसको आदत पड़ जाएगी, बट स्टिल एक एर्गोनॉमिक्स की बात होती है। लेकिन क्योंकि मैं अल्ट्रा से आया हूं और उसका थोड़ा सा यहां पे ऊपर की साइड में होता है तो इसलिए एडजस्ट होने में थोड़ा टाइम लगता है। बाकी फिंगरप्रिंट की स्पीड वगैरह सब अच्छा है, रिलायबिलिटी में कोई दिक्कत नहीं है। अब फोन ने जो इतने छोटे छोटे कॉर्नर्स कट किए हैं वो इसलिए किए हैं ताकि वो अच्छी परफॉर्मेंस डिलीवर कर पाए। इतना कुछ सही करके ये आपको 35,000 में 8 Gen 2 दे रहे हैं और वो कितना कैपेबल प्रोसेसर है वो हम सब जानते हैं। इसमें आपको तीन वेरिएंट्स मिलते हैं, 8128, 8256 और 12256। मेरे वाला 12 GB रैम और 256 GB वाला वेरिएंट है, आप 8 GB वाले दोनों में से कोई भी ले सकते हो। ये 12 GB वाले में 4 GB एक्स्ट्रा रैम का है, सच कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हाँ लेकिन एक चीज है, अगर आप 128 GB वाला वेरिएंट लोगे तो आपको UFS 3.1 स्टोरेज मिलेगी और 256 में आपको UFS 4 मिलेगी जो की फास्ट होती है। तो अगर आप लेना चाहो तो आपके लिए सबसे सही ऑप्शन 8256 वाला ही रहेगा। अब नॉर्मल यूसेज में फोन अच्छा चलता है, कोई बग्स टच वगैरह फील नहीं हुए, काफी स्मूथ एक्सपीरियंस है। आजकल थोड़ा बहुत BGMI भी खेलने लगा हूं तो उसमें 40-45 मिनट्स के सेशन में 90 FPS पे खेला है मैंने और परफॉर्मेंस तो नो डाउट बहुत अच्छी है, लेकिन 40 मिनट्स के हिसाब से बैटरी थोड़ी सी ज्यादा कंज्यूम करता है। 56% से 42% पे आ गया था, 40 मिनट में 14% का बैटरी ड्रेन कोई खास अच्छा नंबर नहीं होता। और गेंशिन इंपैक्ट मैंने एग्जैक्ट 1 घंटे खेला मैक्स सेटिंग्स पे 60 FPS पे, ब्राइटनेस थी करीब 55-60% और फ्रेम इंटरपोलेशन भी ऑन था ताकि हम 144 हर्ट्ज का यूज कर सकें। इस 1 घंटे में गेम लैग नहीं हुआ लेकिन फोन गर्म जरूर हुआ था, जो कि सही बताऊं तो गेंशिन इंपैक्ट की मैक्स सेटिंग्स के हिसाब से काफी नेचुरल सी बात है, लेकिन क्योंकि मैक्स परफॉर्मेंस निकाल रहे हो तो बैटरी ड्रेन थोड़ा सा ज्यादा हो गया। फोन 95% से 71% पे आ गया, यानी कि 24% का बैटरी ड्रेन हुआ है, इसलिए थोड़ा मीडियम सेटिंग्स पे खेलोगे तो बैटरी हेल्थ भी सही रहेगी और गेमिंग ड्यूरेशन भी ज्यादा मिलेगी। आगे बढ़ने से पहले आई वुड लाइक टू टॉक अबाउट टुडे स्पॉन्सर प्रोटोन VPN। ये एक हाई स्पीड ओपन सोर्स VPN है विच इज ट्रस्टेड बाय ओवर 100 मिलियन पीपल वर्ल्ड वाइड। प्रोटोन आपकी ब्राउजिंग एक्टिविटी को प्रोटेक्ट करता है, आपको जियो ब्लॉक कंटेंट का एक्सेस देता है एंड इसमें कोई बैंडविड्थ लिमिट भी नहीं है। आप ओवर 2900 सर्वर्स से कनेक्ट कर सकते हो इन 68 कंट्रीज अक्रॉस ऑल योर डिवाइसेस और ये नो लॉग्स पॉलिसी पे काम करता है, जिसका मतलब ये आपकी ब्राउजिंग एक्टिविटी को लॉग या मॉनिटर नहीं करते। और इस सारी फैसिलिटी के साथ आपको एक इंटीग्रेटेड एड ब्लॉकर फ्री मिल रहा है जो कि आपको मैलवेयर और ट्रैकर्स से बचा के रखता है। तो अगर आप प्रोटोन VPN को ट्राई करना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन के लिंक पे क्लिक करके अगर आप 12 मंथ्स का प्लान लोगे तो आपको 1 month फ्री मिलेगा और अगर 24 मंथ्स का प्लान लोगे तो 3 months फ्री मिलेंगे। एंड आई थिंक आपको ट्राई करना चाहिए क्योंकि प्रोटोन इज द वे टू ट्रूली फाइट अगेंस्ट द बिग टेक। बट इन जनरल अगर बैटरी की बात करें तो आपको एक 5160 mAh की बैटरी मिलती है विद 120 वॉट फास्ट चार्जिंग, जो कि ऑब्वियसली फास्ट है। फोन अराउंड 20 से 25 मिनट में फुल चार्ज हो जाता है और इतनी फास्ट चार्जिंग के साथ साथ बैटरी की परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है। अब मेरा यूसेज वैसे तो कम ही है, आप SOT देख ही सकते हो, लेकिन जो फोन्स मैंने यूज करे हैं उन सभी में वो फोन 1 दिन चलता है। ये फोन आपको नॉर्मल गेमिंग के बाद 1 दिन से ज्यादा की बैटरी लाइफ दे सकता है।
सकता है। आप स्क्रीन ऑन टाइम और पूरा बैटरी का खत्म होने का टाइम देख लो कितना ज्यादा है। और अगर आप हैवी यूजर भी हो तो भी आपका एक दिन तो चलने बैटरी लाइफ में कोई दिक्कत नहीं है। बस मेरे को वायरलेस चार्जिंग की कमी लगी, वो भी इसलिए क्योंकि मैं यूज करता हूं। अगर आप नहीं करते तो ऑब्वियसली आप इस चीज को इग्नोर कर सकते हो। यूआई की बात करते टाइम मैं पहले ही आपको एक चीज क्लियर कर देता हूं कि फोन को सेटअप करते टाइम इन चीजों को टिक नहीं करना, वरना आपके फोन में एड्स और रिकमेंडेशंस आएंगे। और फोन ऑन होने के बाद आप वी ऐप स्टोर को खोल मत लेना, नहीं तो वो भी आपको और ज्यादा नोटिफिकेशन से परेशान करेगा। जब आप कोई ऐप इंस्टॉल करोगे तो आपको ये स्क्रीन दिखाएगा और इंस्टॉल होने के बाद ये नोटिफिकेशन भी दिखाएगा। अनइंस्टॉल करोगे तो ये आपको सिमिलर ऐप का सजेशन भी देगा जो कि दूर दूर तक सिमिलर नहीं होती। तो इसलिए अगर आप फोन को थोड़ा सा सही से सेटअप करोगे तो आप बच जाओगे और आपका एक्सपीरियंस बड़ा सही रहेगा। अगर गलती से आपने वी ऐप स्टोर खोल लिया है तो उसका डेटा क्लियर कर दो, सब कुछ सही हो जाएगा। और ये सेम बात मैं आईक्यू के हर रिव्यू में बोलता रहूंगा जब तक ये इस प्रॉब्लम को फिक्स नहीं करते। और फोन में थोड़े बहुत ब्लोटवेयर भी हैं तो ये भी एक कंसर्न है। कम प्राइस पे परफॉर्मेंस देना चाहते हैं, ये चीज हमें समझ में आती है, लेकिन कुछ चीजों को कंट्रोल में भी किया जा सकता है। और आज अगर नहीं बोलेंगे तो सब लोग Realme UI जैसे हो जाएंगे। बाकी UI वैसा ही है जैसा नॉर्मली फन टच OS होता है, ढेर सारी कस्टमाइजेशन और बहुत सारे फीचर्स आपको मिलते हैं। इस फोन के साथ आपको 3 साल के एंड्रॉइड अपडेट्स और 4 साल के सिक्योरिटी अपडेट्स भी मिलेंगे, तो लॉन्ग टर्म यूसेज में भी फोन सॉर्टेड है, आपको दिक्कत नहीं आएगी। अब थोड़ी छोटी मोटी चीजें जैसे कि स्टीरियो स्पीकर्स इसमें आपको बहुत अच्छे मिलते हैं, काफी अच्छे स्पीकर है, लाउड है, क्लियर है, यहाँ मुझे कोई दिक्कत नहीं लगी, आवाज बहुत अच्छी है। नेटवर्क की बात करते हैं जिसमें मुझे एक चीज फील हुई है कि इस फोन में NFC नहीं है। और आजकल काफी सारे लोग NFC पेमेंट्स को यूज करने लग गए हैं, तो मैं आपको पहले ही बता रहा हूँ कि इसमें वो चीज नहीं होगी। दूसरी प्रॉब्लम ये है कि पता नहीं क्यों मुझे में नेटवर्क उतना अच्छा नहीं मिला। इंटरनेट स्पीड्स वगैरह का तो ठीक है, वहां पे तो सब कुछ चंगा है, लेकिन कॉल्स वगैरह में कभी कभी हमारी आवाज सामने वाले तक नहीं जाती और उस चक्कर में कॉल दोबारा करनी पड़ सकती है। एक दिन तो ऐसा हुआ कि मेरी सिम ही चलनी बंद हो गई जबकि मेरी वॉच पे कॉल्स आ रही थी, फिर सिम निकाल के डाली, फोन को ऑन ऑफ किया, तब जाके वो थोड़ा चली है। अब देखो मैं ये जरूर कहूंगा कि नेटवर्क का एक्सपीरियंस बहुत सी चीजों पे डिपेंड करता है, क्योंकि बाकी जितने भी रिव्यूज मैंने देखे हैं उसमें किसी को कोई खास ऐसे नेटवर्क से इशू हुआ नहीं है, तो ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। तो जस्ट इन केस अगर आपको ऐसा कुछ लगे तो रिप्लेसमेंट वगैरह कुछ ना कुछ करवा लेना। अब बात करते हैं उस चीज की जिससे मेरी एक्सपेक्टेशन कम थी लेकिन इसने डिलीवर काफी अच्छा किया है, इस फोन के कैमरास। इसमें आपको 2 कैमरास मिलते हैं, एक 50 मेगापिक्सल का मेन और एक 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड। कोई मैक्रो वैक्रो डाल के फॉर्मेलिटी नहीं करी गई है जो कि अच्छी बात है। तो कैमरास मुझे बहुत अच्छे लगे हैं, 35 से 40,000 के आसपास इसकी कैमरा परफॉर्मेंस जेन्युइनली बहुत अच्छी है। 8 में से 10 बार ये आपको निराश नहीं करेगा, जो 2 बार करेगा उसकी बात भी करेंगे। यहां आपको 3 कलर मोड्स भी मिलते हैं, नेचुरल, टेक्सचर्ड और विविड। बाय डिफॉल्ट फोन विविड मोड में फोटो लेता है लेकिन वो थोड़ी ज्यादा सैचुरेटेड होती है, इतनी ज्यादा सैचुरेटेड होती है कि कभी कभी स्किन की टोन रेडिश होने लग जाती है। और इसमें स्किन टोन थोड़ी सी ज्यादा कॉन्ट्रास्टी आती है, ऑल्दो स्किन का कलर काफी एक्यूरेट लेता है। तो इसलिए कैमरा को नेचुरल मोड पे शिफ्ट करना सबसे सेफेस्ट ऑप्शन है। HDR प्रोसेसिंग काफी अच्छी है, सन के अपोजिट होके फोटो लेना, उन सब में ये डिटेल्स को रिटेन कर लेता है। अल्ट्रा वाइड में मेन कैमरा के कंपैरिजन में कलर शिफ्टिंग नहीं है, जो कि एक अच्छी और बड़ी चीज है। इवन HDR परफॉर्मेंस भी काफी सिमिलर है लेकिन डिटेल्स में थोड़ी कमी है, क्योंकि 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड है तो ज्यादा एक्सपेक्टेशंस नहीं है। पोर्ट्रेट मोड में मैंने एक चीज नोटिस करी, जब कोई एक सब्जेक्ट होता है तब तो बड़े ही अच्छे शॉट्स आते हैं, एज डिटेक्शन बोलो चाहे डिटेल्स बोलो, सब कुछ बहुत अच्छा दिखता है। और आपको पोर्ट्रेट 2x में ही लेना चाहिए, चाहे डिजिटल जूम यूज करो लेकिन 2x ही करो, और उसमें ये फोन आपको निराश नहीं करेगा। लेकिन कभी कभी दिक्कत आती है, जैसे इस फोटो में इसने तीनों ही सब्जेक्ट्स के फेस को बहुत ही ज्यादा स्मूथ कर दिया है जिसकी वजह से डिटेल्स बची नहीं है। ऑल्दो ये एक दिन ही हुआ था, उस दिन जितनी भी फोटोज ली थी वो सारी ही ऐसे सॉफ्ट सॉफ्ट आई है, बट उसके बाद ऐसा कुछ नहीं हुआ, अब फोटोज नॉर्मल है, सही है। फ्रंट में आपको एक 16 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा मिलता है जो कि सिर्फ यूजेबल नहीं है, ये अच्छी सेल्फीज लेता है, डिटेल्स काफी बढ़िया है। और जो मेन पॉइंट मुझे लगा, इस फोन ने सेल्फीज में HDR को बहुत अच्छे से बैलेंस कर रखा है, नहीं तो किसी में फोरग्राउंड अच्छा होता है, बैकग्राउंड नहीं होता और फोरग्राउंड बिल्कुल ही क्रश हो रखा होता है, बट यहाँ ऐसा नहीं है। सेल्फीज काफी अच्छी स्किन टोन रिटेन भी कर पाती है और दिखाती भी बहुत अच्छा है, और पोर्ट्रेट्स में भी HDR और एज डिटेक्शन बड़ी ही सही है। सो सेल्फीज से मुझे प्राइस पॉइंट के हिसाब से कोई शिकायत है ही नहीं। लो लाइट फोटोज पे आए तो रिजल्ट्स ठीक है, मतलब बड़ी ही आर्टिस्टिक सी फोटोज आती है, जैसे ये फोटो शाम को सनसेट के टाइम ली गई है एंड ये बड़ी ही एस्थेटिक सी फोटो आई है, ऐसे फोन ने जानबूझ के सीन को ब्राइट करने की कोशिश नहीं करी। ये फोटो पिच ब्लैक में ली हुई है और इसमें भी मुझे चीजें बैलेंस लग रही है। ह्यूमंस की बात करें तो थोड़ी सी एक्स्ट्रा शार्पनेस और कॉन्ट्रास्ट ये ऐड करता है, बेसिकली फोटोज को थोड़ा ओवर सैचुरेट करता है। बैक कैमरा की वीडियोस पे हैं तो आप इसमें 8K रिकॉर्ड कर सकते हो, लेकिन फायदा नहीं है, हम मैक्स 4K 60 FPS पे ही रख लेते हैं। देखो अगर आप स्टेबल खड़े हो एक जगह और फिर वीडियो बनाते हो तो कलर्स भी अच्छे आते हैं, वीडियो भी ठीक दिखती है, हार्श सनलाइट होती है तो डायनेमिक रेंज भी अच्छी है, लेकिन अगर आप शाम को वीडियोस रिकॉर्ड करोगे तो उसमें थोड़ी नॉइस फील होती है। लेकिन एज सून एज आप मूवमेंट करोगे तो वीडियो में ऐसी अजीब सी घोस्टिंग दिखती है। अगर आप बहुत धीरे धीरे चलोगे तो शायद आप इसे अवॉइड कर सको, बट अगर आप नॉर्मल पेस पे चलोगे तो ये
चीज आती ही है। एंड मुझे उम्मीद है कि आईक्यू इस चीज को काफी जल्दी एक अपडेट से फिक्स कर देगा, क्योंकि ये जेन्युइनली एक इशू है। तो फ्रंट फेसिंग वीडियोस का सबसे बड़ा ड्रॉबैक तो यही है कि ये 1080p तक ही सपोर्ट करता है, 4K इसमें अवेलेबल नहीं है, और ये कोई खास अच्छी बात नहीं है, गलत बात है ये। और 1080p के हिसाब से वीडियो की क्वालिटी ठीक ठाक है, क्योंकि स्किन टोन उतनी अच्छी नहीं आती, थोड़ी सी ज़ॉम्बीफाइड लगती है। अब मैं मानता हूं कि OnePlus 12R भी इसी प्राइस पॉइंट पे आता है, लेकिन Neo 9 Pro का 256GB वाला वेरिएंट 37,000 से शुरू हो जाता है, जिस पे 2,000 का बैंक डिस्काउंट भी लगता है, जबकि 12R 256GB 43 से शुरू होता है और उस पे बैंक डिस्काउंट भी सिर्फ 1,000 रुपए का है। यानी कि इफेक्टिवली OnePlus 12R का 256GB वाला वेरिएंट 7,000 रुपए महंगा भी है, और 7,000 रुपए मायने रखते हैं। सो मेरी एडवाइस ये रहेगी कि आप Neo 9 Pro लेके खुश रह सकते हो, बाकी आपकी श्रद्धा है। मेरा आज का होलिया है, ठीक है फिर। दिस इज इट फ्रॉम माई साइड, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आई एम दिवांशु एंड आई एम ऑन लीव टिल द नेक्स्ट वन। बाय बाय।